तो प्रश्न है किसी यदि देखिएगा ध्यान से, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा तथा नवा पद क्रमशः 43 और 79 है तो श्रेणी ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले श्रेणी का पांचवा पद और नवा पद दिया गया, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। ठीक है, तो यहां पे पांचवा पद मतलब टी फाइव का मान दिया गया है कितना 43 और टी नाइन का मान दिया गया है 79। ठीक है, टी फाइव का मतलब हो गया ए प्लस 4d। अरे बताएं जी टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन का मान क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया ए प्लस 4d हो गया ना। ठीक है, बराबर है 43, इसको समीकरण एक मानेंगे। टी नाइन का मतलब हो गया ए प्लस 8d बराबर कितना है 79, इसको समीकरण दो मान लेंगे। अब समीकरण एक और दो को सॉल्व करेंगे और उत्तर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। समीकरण एक और दो को यहाँ पे हम देखिए लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे इसको। तो समीकरण एक और दो में ए ए तो सेम है ही, तो इसको घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो, सो ए प्लस 4d बराबर है 43, ए प्लस 8d बराबर है 79। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस 4d क्योंकि 8 बड़ा है बराबर। यहाँ देखिए जब इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसको घटाएंगे ननुआ, तो क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, बड़ा वाला है माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। या डी बराबर हम लिख सकते हैं 36/4, 4 × 36, इसलिए डी का मान कितना हो गया भैया 9 हो गया। ठीक है, अब डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख देंगे, समीकरण एक में रखने पर अब देखिए क्या है, समीकरण एक है ए प्लस 4d बराबर कितना है 43। तो अब यहां पे इसको बनाइए, तो ए का मान बउआ हमको निकालना है, डी का मान 9 दिया गया तो 4 × 9 कर दीजिए बराबर 43, तो ए प्लस 36 बराबर हो गया कितना 43, या ए बराबर 43 − 36 तो आया कितना 7, इसलिए ए का मान हो गया 7 और डी का मान हो गया 9। तो बोल रहा है श्रेणी ज्ञात करने के लिए, तो श्रेणी ज्ञात कर दीजिए ए का मान, अतः श्रेणी, अतः श्रेणी कितना आ जाएगा बुआ, ए का मान 7 है, डी का मान उसमें जुटते जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा ए प्लस 2d ए प्लस 3d होगा ना इसी तरह से, तो 7 में यदि 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में फिर 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 34, यही हो गया इसका समांतर श्रेणी। ठीक है।